तो मैं ये समझता हूँ जनसंख्या जो विस्फोट होगा तो मरने वाला कौन होगा, जो 8 करोड़ साल पुरानी सभ्यता हमारी है या 5200 वर्ष पूर्व जो गीता लिखी गई है, ये जो आप सभ्यता देख रहे हैं, ये जो हमारा इतिहास देख रहे हैं, ये राम का देश और कृष्ण का देश नहीं रहेगा, फिर ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुशील तिवारी जी, जो कि यहाँ पर लखनऊ से चलकर आए हैं। और हिंदू महापंचायत में आप आए सर, क्या कहेंगे, कौन सी सबसे बड़ी मांग है जिसके लिए लगातार हिंदुओं को एकत्रित किया जा रहा है? देखिए, प्रमुख तौर पे हम हर बार हिंदू आर्मी जो है जनसंख्या नियंत्रण की बात उठाती रहती है, क्योंकि टैक्स पेयर एक वर्ग है और टैक्स का जो लेने वाला उसका फायदा लेने वाला एक वर्ग है और वही वर्ग जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण है, ये भारत के लिए सबसे बड़ा कोड़ है। जब तक इस देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून राष्ट्रव्यापी राष्ट्र स्तर पर नहीं आ जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि विधर्मियों का जाल इसी तरह से फैलता रहेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण में हमने प्रधानमंत्री जी से एक मांग रखी है और मुझे लगता है कि दिसंबर तक हमारी मांग मान ली जाएगी। 5 यहाँ पर जो सूत्रीय मांग आप लोगों की है, चाहे वो बात करें तो समान नागरिकता की है, घुसपैठ रोक की है, और जो मंदिरों पर कहा जा रहा है कि सरकार का कब्जा है उसको कब्जा मुक्त करने की। जहाँ तक जनसंख्या के बाद धर्मांतरण की बात है, तो आपको बताएं धर्मांतरण में बहुत जोरों पे चल रहा है, वो एक वर्ग नहीं कर रहा है। जैसा कि हमारे मन से कहा गया 8 करोड़ साल पहले की हमारी सभ्यता है, इस सभ्यता को तोड़ने के लिए चाहे वो ईसाइयत हो और चाहे कट्टरपंथी हो, वो अपने अपने तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं, वो तमाम तरीके के जिहाद करते हैं। तो हमारा जो मानना ये है, अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा देखना हो तो दिल्ली चले जाइएगा, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक आप देख लीजिए, जहाँ मदर टेरेसा जी का पिक्चर लगा हुआ है, जहाँ हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं उनको हमारे ऋषि चरक नहीं दिखते हैं या हमारे शैल्य चिकित्सा के जनक नहीं दिखते हैं, उनको कहीं ना कहीं हमें ये प्रतीत होता है कि जो है इस तरह के धर्मांतरण करने के लिए अच्छा खासा केजरीवाल जी को फंडिंग मिल रही है। इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के जरिए धर्मांतरण कर रहे हैं, तो ये तो दिल्ली का हाल है। इसी तरीके से देश में तमाम मिशनरीज और लोग काम कर रहे हैं, तो हमें धर्मांतरण नियंत्रण के कानून तो दिखे चाहिए। अगर धर्मांतरण नियंत्रण कानून नहीं लगा तो इसी तरह से कन्वर्जन करके वो अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे। एक तरह वो बच्चे पैदा करके जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, एक तरह ये कन्वर्जन करके जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ जनसंख्या जो विस्फोट होगा तो मरने वाला कौन होगा, जो 8 करोड़ साल पुरानी सभ्यता हमारी है या 5200 वर्ष पूर्व जो गीता लिखी गई है, ये जो आप सभ्यता देख रहे हैं, ये जो हमारा इतिहास देख रहे हैं, ये राम का देश और कृष्ण का देश नहीं रहेगा, फिर ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जनसंख्या से ही रिलेटेड, चाहे धर्मांतरण नियंत्रण हो या एक समान शिक्षा की हम बात करते हैं वो हो, ये जितने भी मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो जनसंख्या पे ही जाके टिक जाते हैं। तो इसलिए हिंदू आर्मी जो मूल कोर है वो जनसंख्या नियंत्रण को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहती है। आज सेव इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में ये एक आयोजन दिल्ली में हिंदू महापंचायत का हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके से निपटा, कोई हेट स्पीच नहीं दी गई और मैं समझता हूँ न दी जाएगी, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मैं समझता हूँ दिसंबर तक अगर राज्यसभा में जब बहुमत हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, तो उनकी नियत पे कोई डाउट नहीं है, वो जरूर जनसंख्या नियंत्रण को राष्ट्रीय स्तर पे लागू कर देंगे। क्या कहेंगे तिवारी जी, लगातार ऐसे मंचों से ऐसे आयोजन तो होते जा रहे हैं, लेकिन इससे समाधान निकलेगा क्या? क्या लगता है कि पहला आपने जंतर मंतर पर आयोजन किया जिसमें आपको भी जेल जाना पड़ गया, प्रीत सिंह को भी जेल जाना पड़ गया, पिंकी, लगातार जो लोग वहाँ पर आयोजक थे या जो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उनको जेल जाना पड़ गया, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है, नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, अमित शाह जी की बात की जाए, वो सरकार हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुओं को जोड़ने वाली सरकार है, तो क्या इन आयोजनों से कुछ होगा? बिल्कुल कोई डाउट नहीं करना चाहिए। मैंने फिर कहा कि योगी जी जैसे ईश्वरीय अवतार पे, मोदी जी जैसे ईश्वरीय अवतार पे जो केंद्र में बैठे हमें डाउट नहीं करना चाहिए। हमारी आवाज ऐसे आयोजनों से पहुंच रही है। 8 अगस्त की देन है, 8 अगस्त की देन है कि पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, 8 अगस्त की देन है गुजरात में गीता लागू हो रहा है, लागू हो गया, 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष के बच्चों को गीता अनिवार्य कर दिया गया, 8 अगस्त की देन है जो मुंबई सरकार ने कर्नाटक के अंदर, 8 अगस्त की देन है कि हम हिजाब जिहाद से लड़ पाए, 8 अगस्त की देन है कि वहां पे मंदिरों के आसपास विधर्मियों का कोई भी दुकान नहीं होगा, ये 8 अगस्त की देन है। हमारी आवाज मोदी जी सुनते हैं, योगी जी सुनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अब आगे की रणनीति क्या होगी, आगे किस तरीके से आपका आगे की रणनीति क्या होगी और आगे किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और जो आप हिंदुत्व को इकट्ठा करने की जो आप लोगों की कोशिशें हैं वो कहाँ तक रंग लेके आएगी? मैं ये समझता हूँ, मैंने फिर कहा कि जो हम यहाँ आवाज़ उठाते हैं ऐसे ऐसे आयोजनों से, ये आवाज़ जो प्रधानमंत्री जी तक डायरेक्ट पहुँचती है उनके हृदय तक, आप समझिएगा। ये मत सोचिए कि हमने यहाँ कार्यक्रम के प्रधानमंत्री जी नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं और हमारी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँच रही है। दिसंबर तक मैं ये समझता हूँ कि जैसे राज्यसभा में हमारी बहुमत आएगी, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून और जितने भी 5 कानूनों का मांग किए हैं, हमारी मतलब मांगों पे वहाँ पे बात बन जाएगी और बिल बन जाएगा। बिल्कुल विश्वास है 100% योगी जी और मोदी जी पे विश्वास है, हेमंत विश्व शर्मा पे विश्वास है। आसाम में आपने देखा क्या हुआ, लेकिन वही बंगाल में देखिए बोरियों में बच्चियों के सर काट के आ रहे हैं। एक हिंदू फैमिली को 12 लोगों को रूम में बंद करके जला दिया गया, लेकिन वामपंथी मीडिया ने नरेटिव गढ़ा है, वामपंथी मीडिया ने नरेटिव गढ़ा कि नहीं वो एक ही पंथ के थे, एक ही कट्टरपंथी थे, वापसी में मर गए। ऐसा नहीं था, बंगाल के अंदर जो 12 लोग जलाए गए थे ये आधिकारिक बयान है, वो हिंदू है। जाके मैं साक्ष्यों के प्रमाणिक आधार पर आपके चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि बंगाल के अंदर जो 12 लोग जिंदा जला दिए गए, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं, वो हिंदू थे। हिंदू आर्मी का अगला कदम क्या होगा, हिंदू आर्मी क्या करेगी, क्योंकि ये जो आयोजन था तो सेव फाउंडेशन इंडिया की तरफ से था, जो कि प्रीत सिंह हमने समर्थन दिया था, भरपूर समर्थन मिला। हमारे बेंगलोर से सतीश सन्ना जी सदर्न कमांड, गाजीपुर से यूपी से देखिए एक वंदना राय जी महिला शक्ति आई हुई हैं, और इस तरह से हमारे हजारों कार्यकर्ता आए हुए हैं। यूपी से मैं समझता हूँ हजारों कार्यकर्ता सुबह से रेला लगा हुआ है, तो इस तरह के आयोजनों को समर्थन देना हमारा परम कर्तव्य है। वो सेव इंडिया फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है, चूंकि केंद्र में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ, हमारा भी यहाँ पे कार्यालय है, सेव इंडिया फाउंडेशन का भी कार्यालय है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो हिंदुत्व हित की बात करेगा उसका हिंदू आर्मी साथ देगी, हम योगी जी और मोदी जी का साथ देते, बुराई क्या है उसके अंदर। तो देख सकते हैं मेरे साथ सुशील तिवारी जी थे, जिन्होंने आज जो लखनऊ से चल के यहाँ पर दिल्ली पहुँचे, बुराड़ी पहुँचे और हिंदू आर्मी चीफ हैं, और इन्होंने कहा कि हम लगातार ऐसे आयोजनों का समर्थन करते रहेंगे और जो 5 सूत्रीय मांग हमारी है उस 5 सूत्रीय मांग पर आगे भी विचार जारी रहेगा और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए दिल्ली से।